स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिंदी साहित्य में उपन्यास विधा से संबंधित। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए लाइव क्लास लाई जाती है सुबह 9 बजे हिंदी साहित्य की, तो सभी लोग आ जाइएगा। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लेकर आए हैं। और यहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से। जो भी टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहता है मात्र 299 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हैं। 4700 प्रश्न है, ये नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस ऐप पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लें इस ऐप को। वो जो ही परचेस करना चाहता है तो 299 रुपए में आप परचेस कर सकते हैं। चलिए उपन्यास विधा से फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है। भगवती चरण वर्मा के व्यक्तिगत जीवन संदर्भों को चित्रित करने वाला उपन्यास आपके लिए बताना है। दिनेश जी, लवली जी, निशा जी, कौन सा माना जाता है बताइए। सुमन जी, सीधी सच्ची बातें, दुप्पल, सामर्थ और सीमा, या फिर अपनी खिलौनी। दीपक जी, चयन कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 51वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 51 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। मुनीश जी, दुप्पल आप सभी का सही राइट आंसर होगा। दुप्पल जिन्होंने भी चयन किया है, ये जो है भगवती चरण वर्मा के व्यक्तिगत जीवन संदर्भों को चित्रित करने वाला उपन्यास माना जाता है। दुप्पल विकल्प नंबर दो आप सभी का सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे पूछा गया है। एक जुआरी के असफल प्रेम को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है। 52 में चयन करना है, क्या होगा सही राइट आंसर। फिर वह नहीं आई, भूले बिसरे चित्र, आखिरी दाव, या फिर अपने खिलौने। बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। 52वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर है। एक जुआरी के असफल प्रेम को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है, तो आप सभी का सही राइट आंसर है आखिरी दाव। आखिरी दाव आप सभी का सही राइट आंसर है। जब जो जुआरी लोग रहते, जो जुआ खेलते हैं, जुआ सट्टा खेलते, तो वह कहते आखिरी दाव लगा लें, आखिरी दाव। आखिरी दाव जो है एक जुआरी के असफल प्रेम की कथानक के कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास माना जाता है आखिरी दाव। और क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 53 पूछा गया है। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है बताइए। आस्था जी, क्या होगा सही राइट आंसर। पतन है, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, या फिर चाणक्य। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 53 है और 53 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि पतन यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। प्रथम उपन्यास पूछा है, विकल्प नंबर एक आप सभी का सही राइट आंसर होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद तीनों का चित्रण है, वह उपन्यास आपके लिए बताना है। 54 का क्या होगा सही राइट आंसर। भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सबई नचावत राम गोसाई, या फिर चाणक्य। 54 का सभी लोग सही आंसर बताइए। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद तीनों का चित्रण है, तो आप सभी का 54 में सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर लगा दीजिएगा, टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्ते आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। पांडे वेचन शर्मा उग्र के किस उपन्यास को आलोचकों ने फैंटेसी कहा है। उग्र जी का वह उपन्यास आपके लिए बताना है। शराबी है, दिल्ली का दलाल, घंटा, या फिर जीजा जी। चयन कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या होगा सही राइट आंसर। उग्र जी का वह कौन सा उपन्यास है जिसको आलोचकों ने फैंटेसी कहा है, तो 55 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि घंटा आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 56 है कि पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, बताइए। सरकार तुम्हारी आंखों में, बुधवा की बेटी, शराबी या चंद हसीनों के खतूत। आरती जी क्या होगा सही राइट आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूर्णिमा जी कि पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 56 में विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, चंद हसीनों के खतूत आप सभी का सही आंसर विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। नीता कुमारी जी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, उग्र जी का वह उपन्यास जिसमें जाति बंधन की निरर्थकता को दर्शाया गया है वह उपन्यास कौन सा है, चंद हसीनों के खतूत, घंटा, शराबी या सरकार तुम्हारी आंखों में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उग्र जी का वह उपन्यास बताना जिसमें जाति बंधन की निरर्थकता को दर्शाया गया है। 57वां क्वेश्चन है, आप सभी का सही राइट आंसर होगा चंद हसीनों के खतूत विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, तो विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर लगा देते हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, चंद हसीनों के खतूत व्यस्त जीवन की रचना है या फिर कामिनियों की प्रणय गाथाओं से संबंधित है, कथाओं से संबंधित है या फिर सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित है या स्त्री पुरुष संबंधों की रचना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 58 आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और 58 में क्या होगा सही राइट आंसर अंश जी, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और चंद हसीनों के खतूत ये पूछा गया है तो सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित है, तो विकल्प नंबर आपका जो सी है वह आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा, तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर लगा देते हैं सभी लोगों ने जिन्होंने भी सी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रसाद का प्रथम उपन्यास कौन सा है, बताइए। प्रथम उपन्यास पूछा गया तितली है, इरावती, कंकाल या फिर इनमें से कोई नहीं। 59वां क्वेश्चन है, सभी लोग सही आंसर बताइए, प्रथम उपन्यास बताना है प्रसाद जी का और 59 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है सी यानी कि कंकाल। कंकाल आप सभी का सही राइट आंसर है, प्रसाद जी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। लवली जी बिल्कुल सही राइट आंसर है, कंकाल जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा, जो की कई बार पूछा जा चुका है, अपूर्ण उपन्यास जयशंकर प्रसाद का, बताइए। तो सही राइट आंसर है आप सभी का डॉक्टर नीता जी, क्या है सही राइट आंसर, जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास बताना है और आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर 60 में जो ये है वह सही राइट आंसर है इरावती। इरावती अपूर्ण उपन्यास माना जाता है किनका, जयशंकर प्रसाद जी का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस उपन्यास में धार्मिक नैतिक संस्था में व्याप्त पाखंडपूर्ण आचरण का यथार्थ चित्रण हुआ है, मैं आपके लिए उपन्यास बताना है, तितली है, कंकाल है, इरावती है या फिर इनमें से कोई नहीं है, बताइए। तो किस उपन्यास में धार्मिक नैतिक संस्था में व्यक्त पाखंडपूर्ण आचरण का यथार्थ चित्रण हुआ है, तो 61 का बी राइट आंसर होगा कंकाल। कंकाल आप सभी का सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी होगा सही राइट आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1976 से जो है सम्मानित किया गया था, दादा कॉमरेड, झूठा सच, मेरी तेरी मेरी उसकी बात या फिर दिव्या। 62 में चयन कीजिएगा सभी लोग सही राइट आंसर क्या होगा। यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 1976 का जो पुरस्कार था उससे सम्मानित किया गया था, किस रचना के लिए, किस उपन्यास के लिए, तो आप सभी का सही राइट आंसर है 62 में विकल्प नंबर सी यानी कि तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात ये वाला विकल्प जो है आपका सही राइट आंसर होगा।
बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 पूछा गया है, यशपाल के किस उपन्यास में भारत विभाजन की भूमिका और उसके दुष्परिणामों का विस्तृत चित्रण हुआ है। वह उपन्यास आपके लिए बताना देशद्रोही है, मनुष्य के रूप क्यों फंसे या फिर झूठा सच, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। यशपाल जी का उपन्यास बताना जिसमें भारत विभाजन की भूमिका और उसके दुष्परिणामों का विस्तृत चित्रण हुआ है, और 63 में झूठा सच यहाँ पर सही राइट आंसरों का विकल्प नंबर दिनेश कुमार जी डी जिन्होंने भी चयन किया है, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, झूठा सच आप सभी का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 पूछा गया है कि यशपाल के किस उपन्यास में गांधीवादी विचारधारा का खुलकर विरोध हुआ है। वह उपन्यास आपके लिए बताना है कौन सा माना जाता है, तेरी मेरी उसकी बात, दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड या फिर देशद्रोही, बताइए क्या है सही राइट आंसर। शांति जी, पूनम जी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, यशपाल के किस उपन्यास में गांधीवादी विचारधारा का खुलकर विरोध हुआ है, तो वह उपन्यास कौन सा है। 64 में आपका सही राइट आंसर है तेरी मेरी उसकी बात, ये वाला जो विकल्प है ये आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर एक आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दीपचंद जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 पूछा गया है, यशपाल के उपन्यासों का सही प्रकाशन क्रम बताना है, कौन सा प्रकाशन क्रम जो है सही है, बताइए। चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें आपके अगर आपको प्रकाशन वर्ष याद है तो कमेंट में लिखिए और कौन सा विकल्प यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। तो सही राइट आंसर है 65 में विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा देशद्रोही, देशद्रोही जो कि इसका प्रकाशन माना जाता है 1943, दिव्या 1945 इसका प्रकाशन माना जाता है, अमिता का माना जाता है 1956 और झूठा सच का माना जाता है 1958। ये यशपाल के उपन्यास दिए गए हैं जिनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उपन्यासों को उनके रचनाकारों के साथ सही मेल करना है, चलिए मेल कर देते हैं सूची एक को सूची दो से, और यहाँ पर आपके कूट भी दिए गए हैं, ये कूट है और इनकी सहायता से आपको सम्मिलित करना है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि लोक परलोक के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो लोक परलोक आप सभी का सही राइट आंसर है उदय शंकर भट्ट। अंतिम आकांक्षा एक इनका माना जाता है सिया रामचरण गुप्त, अंतिम आकांक्षा, और प्रभावती के कौन हो जाएंगे, प्रभावती ये निराला जी का माना जाता है, प्रभावती निराली है, तो निराला जी का ये जो है उपन्यास है। हार जो है सुमित्रा नंदन पंत जी का जो है एक उपन्यास माना जाता है हार, तो इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं आपका कोड में, विकल्प नंबर जो सी है वह सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 67 है, शूद्रक्ष के मृच्छकटिकम की कुछ घटनाओं के आधार पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है। 67 में बताना है बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख या फिर पुनर्नबा, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है श्रेणी जी, आरुषि जी, कल्पना जी, और आप सभी का 67 में यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। पुनर्नबा जो है ये शूद्रक्ष के मृच्छकटिकम की कुछ घटनाओं के आधार पर लिखा गया उपन्यास माना जाता है पुनर्नबा। इसके लेखक आपके लिए कमेंट में बताना है कौन माने जाते हैं पुनर्नबा के लेखक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68 आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इलाचंद जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। एक विकल्प आपका दिया गया है यहाँ पर 68 में, और यही विकल्प जो है आपका सही राइट आंसर होगा, यही विकल्प आपका सही राइट आंसर है 68 में। ये इलाचंद जोशी जी के यहाँ पर उपन्यास दिए गए हैं जिसमें लज्जा सबसे पहले, फिर उसके बाद सन्यासी, उसके बाद पर्दे की रानी और उसके बाद मुक्ति पथ, बिल्कुल सही। पुनर्नबा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का माना जाता है उपन्यास रचना, और यहाँ पर देखिए जो लज्जा है इसका प्रकाशन 1929 माना जाता है, सन्यासी का 1940 प्रकाशन माना जाता है,
पर्दे की रानी 1942 और मुक्ति पथ 1948, ये जो पूरे उपन्यास जो दिए गए हैं इला चंद जोशी जी के उपन्यास माने जाते हैं। बिल्कुल सही पूजा जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 69वां क्वेश्चन है कि जैनेन्द्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा कब पुरस्कृत, किस उपन्यास के लिए पुरस्कृत किया गया था, बताइए। 1966 में जैनेन्द्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किस उपन्यास पर, परख पर, मुक्तिबोध, त्यागपत्र या फिर सुनीता, ये भी आपके लिए याद रखना है 1966 में मिला था। और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही राइट आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ए, और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर कि वह उपन्यास जो है वह है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध एक उपन्यास है, किनका, ये उपन्यास है जैनेन्द्र जी का, और इस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1966 का। तो विकल्प नंबर बी जो है वह आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, 70वां क्वेश्चन दिया गया है, अज्ञेय के किस उपन्यास पर रोमा रोला के जाकृष्टाप का प्रभाव है, वह आपके लिए उपन्यास बताने अज्ञेय जी का कौन सा उपन्यास है बताइए। नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी या फिर इनमें से कोई नहीं। रीना तिवारी जी क्या होगा सही राइट आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और 70वां क्वेश्चन है, आप सभी का सही राइट आंसर होगा शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी जो है अज्ञेय का उपन्यास माना जाता है जिसमें रोमा रूला के जाकृष्टाप का प्रभाव इस पर है। तो विकल्प नंबर जो सी है भाई आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 71वां क्वेश्चन है, अज्ञेय के किस उपन्यास में पत्र शैली, प्रत्यावलोकन शैली, चेतना प्रवाह और प्रतीकात्मक विधान शैली का प्रयोग एक साथ मिलता है, बताइए। इतनी सारी शैलियों का प्रयोग एक साथ मिलता है वह उपन्यास बताने अज्ञेय जी का कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे पूछा गया है और 71 में आप सभी का सही राइट आंसर अंशु जी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और विकल्प नंबर एक आप सभी का सही राइट आंसर होगा नदी के दीप। नदी के दीप जो उपन्यास है ये अज्ञेय जी का उपन्यास माना जाता है जिसमें पत्र शैली, प्रत्यावलोकन शैली, चेतना प्रवाह और प्रतीकात्मक विधान शैली का प्रयोग एक साथ मिलता है। तो विकल्प नंबर एक आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 72 पूछा गया है, देखिएगा अज्ञेय के किस उपन्यास में रेखा और भुवन की मना स्थितियों का मनोवैज्ञानिक चित्रण है, वह उपन्यास आपके लिए चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 72 में आपका सही राइट आंसर क्या होगा शांति जी बताइए। 72 का सही आंसर अज्ञेय जी का उपन्यास बताना है कौन सा जिसमें रेखा और भुवन की मना स्थितियों का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है और आप सभी का 72 में सही राइट आंसर आ रहा है नदी के दीप, आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, जिन्होंने भी यहां पर चयन किया है नदी के दीप उनका यहां पर सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। दीप चंद्र जी अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे यहां पर पूछा गया है 73वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि अज्ञेय के किस उपन्यास में मृत्यु से साक्षात्कार का विषय बनाकर मानव जीवन और उसकी नियति का चित्रण दिया गया है बताइए, कौन सा वह उपन्यास है अज्ञेय जी का। माला जी और आप सभी का यहां पर सही राइट आंसर होगा 73 में। मुसाफिर जी और अपना सही राइट आंसर होगा 73 में विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, अपनी अपनी अजनबी। अपनी अपनी अजनबी आप सभी का सही आंसर होगा अज्ञेय जी का उपन्यास है, इसमें मृत्यु से साक्षात्कार का विषय बनाकर मानव जीवन और उसकी नियति का चित्रण इसमें दिया गया है इस उपन्यास में। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 74 पूछा गया है, किस उपन्यास में अज्ञेय का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है वह उपन्यास बताइए, क्या होगा सही राइट आंसर चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीति पाल जी, शेखर एक जीवनी है, अपने अपने अजनबी है, नदी के दीप है या फिर इनमें से कोई नहीं। और
74 में आप सभी का सही राइट आंसर है नदी के दीप, आप सभी का सही राइट आंसर होगा नदी के दीप। जो उपन्यास है अज्ञेय जी का उपन्यास है, इसमें व्यक्तिवादी जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है 74 में वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी आप सभी का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 75 पूछा गया है कि अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है। तो बताना है आपके लिए, अमृतलाल नागर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, कब दिया गया था, 1967 में। किस उपन्यास के लिए, बूंद और समुद्र, मानस का हंसे, खंजन नयन या फिर अमृत ओबेस, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर है अमृत ओबेस, विकल्प नंबर जो डी है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर जिन्होंने डी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 76वां क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में भारतीय समाज के विभिन्न रूपों का चित्रण हुआ है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। बूंद और समुद्र है, अमृत और विष है, या फिर सुहाग के नुपुर, या फिर शतरंज के मुहरी। तो 76 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर यहां पर तो बिल्कुल सही प्रतीक होगा, पूजा जी प्रतीक मानी जाती है, प्रतीक पत्रिका, बिल्कुल। खंजन नयन यहाँ पर आपका क्या होगा सही राइट आंसर, 4 विकल्प दिए गए हैं और 76 में आपका बूंद और समुद्र होगा सही राइट आंसर, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है, शांति जी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है, नहीं आपके लिए बताना है क्या होगा सही राइट आंसर, इलाचंद जोशी, अमृतलाल नागर, डॉक्टर देवराज या फिर जैनेन्द्र, बताइएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार पूछा गया है आपसे और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है 77 में, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, अमृतलाल नागर आप सभी का सही राइट आंसर होगा। नहीं पूछा है तो अमृतलाल नागर नहीं माने जाते हैं मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार, बाकी इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, देवराज ये माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है 78वां क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है, बताइए। चयन करना है, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और क्या होगा सही राइट आंसर, शांति जी, अंश जी और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा यहाँ पर 78 में, विकल्प नंबर जिन्होंने सी चयन किया है मानस का हंस, उनका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। जो मानस का हंस है ये उपन्यास है जिसमें तुलसीदास जी के जीवन को केंद्र में रखकर ये लिखा गया उपन्यास माना जाता है। इसके लेखक भी बता दीजिएगा कौन माने जाते हैं इसके लेखक, कमेंट में आपको बताना है मानस का हंस। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा, अवध की नवाबी का हिरासनोन्मुख जीवन का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है, वह उपन्यास आपके लिए बताना है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही राइट आंसर 79वां क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, उन्यासी में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर, और बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, शतरंज के मोहरे आप सभी का सही राइट आंसर है। शतरंज के मोहरे जिन्होंने बताई, अवध की नवाबी का रासनोन्मुख जीवन का चित्रण इस उपन्यास में हुआ है, विकल्प नंबर डी आप सभी का सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास कौन सा है, जीवनी परक उपन्यास आपसे पूछा गया है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, और आप सभी का सही राइट आंसर है अमृतलाल नागर जी का जीवनी परक उपन्यास बताना है, तो भाई माना जाता है कौन सा,
खंजन नयन, आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। अमृतलाल नांगर जी का माना जाता है ए खंजन नयन। खंजन नयन विकल्प नंबर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। एक जो कि सूरदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास माना जाता है खंजन नयन, तो विकल्प ए सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन है? अब भी बताया था मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार रेणु जी है या फिर डॉक्टर देवराज है, विष्णु प्रभाकर है या फिर भीष्म साहिनी है, बताइए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 81 है और 81 का सही राइट आंसर होगा कि अभी पढ़ा था अपन ने जो डॉक्टर देवराज हैं, ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पर दिया गया है, डॉक्टर देवराज के किस उपन्यास में प्रेम संबंधों तथा उनसे जुड़े हुए अनुसंगिक प्रश्नों का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन हुआ है, बताइए कौन सा वह उपन्यास है डॉक्टर देवराज जी का? बाहर भीतर, पथ की खोज, रोड़े और पत्थर या फिर अजय की डायरी? सैनी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया मुसाफिर जी, तो आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 82 है और 82 में आप सभी का सही राइट आंसर है अजय की डायरी। अजय की डायरी देव, अजय की डायरी देव, तो ये देव से देवराज जी का जो है उपन्यास माना जाता है अजय की डायरी, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, श्रीलाल शुक्ल का साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास कौन सा है? श्रीलाल शुक्ल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कब? 1969 ईस्वी में। और किस उपन्यास के लिए? राग दरबारी, विश्रामपुर का संत या फिर सूनी घाटी का सूरज या फिर अज्ञातवास? चयन करना है, लाइक अवश्य करना है सभी के लिए, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर लेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 83वां क्वेश्चन है, बहुत ही कम लोगों ने लाइक किया है अभी। और श्रीलाल शुक्ल जी को मिला था राग दरबारी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, कब मिला था? 1969 में। तो विकल्प नंबर आपका जो एक है वह सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? बताइए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था, चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर। लवली जी और आप सभी का सही राइट आंसर है कि श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? इनके लिए व्यास सम्मान दिया गया था 1999 ईस्वी में। किस उपन्यास के लिए? तो 84 में आप सभी का सही राइट आंसर है विश्रामपुर का संत। विश्रामपुर का संत आपका सही राइट आंसर है, विश्रामपुर का संत के लिए व्यास सम्मान और राग दरबारी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक स्वाभिमानी अध्यापक के जीवन संघर्ष को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा माना जाता है? 85 में आपके लिए चयन करना है सही राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बताइए नदी यशस्वी है या डूबते मस्तूल, अपतबंधु था या फिर धूमकेतु एक सुरती? पूजा जी क्या होगा सही राइट आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है प्रीति जी, और आप सभी का सही राइट आंसर है एक स्वाभिमानी अध्यापक के जीवन संघर्ष को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास की बात करें तो 85 में आप सभी का ए पथबंधु था, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आप सभी का सही आंसर होगा, अगर पूछा जाए ए पथबंधु था ये जो उपन्यास है किनका है तो ये नरेश मेहता जी का माना जाता है। ए पथबंधु था नरेश कैसे बन गया, यह पथबंधु था नरेश कैसे बन गया, तो नरेश से नरेश मेहता आप सभी का सही आंसर और यह पथबंधु उपन्यास है। हिंदी में आंचलिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस उपन्यास की भूमिका में किया गया, बताइएगा। 86वां क्वेश्चन है, बलचनमा, पानी के प्राचीर, जंगल जहां शुरू होता है या फिर मेला आंचल, बताइए त्रिपाठी जी क्या होगा सही राइट आंसर। 86 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा 86 में विकल्प नंबर डी मेला आंचल। हिंदी में आंचलिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस उपन्यास की भूमिका में किया गया, मेला आंचल। मेला आंचल आप सभी का सही राइट आंसर, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है और जो इसके रचनाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु, एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं रेणु जी। विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास। देखिए वही पूछ लिया गया आपसे
मेला आंचल है, कलंक मुक्ति है, पलटू बाबू रोड है, प्रति परिकथा है। तो अब भी बताया प्रथम आंचल को उपन्यास माना जाता है, कौन सा? मेला आंचल। 87 का विकल्प नंबर एक आप सभी का सही राइट आंसर होगा। ये हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 आपसे पूछा गया है नीता जी, बिल्कुल। किस आलोचक ने मेला आंचल को सतीनाथ भादुड़ी कृत डोलाम चरित मानस की कार्बन कॉफी कहा है? किसने कहा है? मैनेजर पांडे ने, मधुकर गंगाधर ने, नंद दुलारी वाजपेयी ने या डॉक्टर नगेंद्र ने? बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन मानसी मिश्रा जी, क्या होगा सही आंसर? और बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है कि 88 में आपका जो विकल्प नंबर यहां पर दिया गया है कौन सा? बी, मधुकर गंगाधर, वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। मधुकर गंगाधर आप सभी का सही आंसर है, बहुत बढ़िया। आरुषि जी विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर होगा। फणीश्वरनाथ रेणु के इस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा चित्रित हुई है। बताइएगा रेणु जी का उपन्यास कौन सा है? पलटू बाबू रोड है, कितने चौराहे, जुलूस या फिर दीर्घ तपा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया पूनम जी, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 89 में विकल्प नंबर सी जुलूस, आप सभी का सही राइट आंसर होगा। जुलूस उपन्यास जो कि रेणु जी का माना जाता है, इसी उपन्यास में पूरी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा इसमें चित्रित है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 90 पूछा गया है राही मासूम रजा के किस उपन्यास में गाजीपुर जिले के गांगोली गांव के सिया मुसलमानों की जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है? 90 में आपके लिए बताना है, बताइए। तो क्या होगा सही राइट आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? 90वां क्वेश्चन है लवली जी, बिल्कुल। तो दवाई ले लीजिएगा। और दीपचंद जी, क्या होगा सही राइट आंसर? 90वां क्वेश्चन पूछा गया है और राही मासूम रजा के किस उपन्यास में गाजीपुर जिले के गांगोली गांव के सिया मुसलमानों की जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो 90 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा आधा गांव, विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहां पर सही राइट आंसर होगा आधा गांव। राही मासूम रजा जी का माना जाता है ये उपन्यास। आधा गांव कैसा है? मासूम है। तो मासूम रजा, राही मासूम रजा। मुंबई के निकटवर्ती गांव बरसोबा की मछुआरों के सामाजिक जीवन का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? 91 का सही राइट आंसर बताना है, क्या होगा सही राइट आंसर बताइएगा? सागर लहरें और मनुष्य या फिर बलचनमा, सैलूस या फिर कब तक पुकारूं? 91 का सही राइट आंसर बताना है। लाइक अवश्य करते जाना है सभी के लिए, बहुत ही कम लोग लाइक कर रहे हैं, क्या बात है, जल्दी से सभी लोग लाइक कर दें। मुसाफिर कुमार जी बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर है सागर लहरें और मनुष्य, ये वाला विकल्प जो है आपका सही आंसर है। ये जो है मुंबई के निकटवर्ती गाँव जो बरसोबा है वहाँ के मछुआरों के सामाजिक जीवन का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे 92 पूछा गया है, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है, कौन सा होगा? 92 में सही अनुक्रम चयन कीजिएगा। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है, बताइए। और 92 में आप सभी का सही राइट आंसर है मेला आंचल। ये जो है मेला आंचल का प्रकाशन अगर पूछा जाए तो 1954, पानी के प्राचीर 1961 इसका प्रकाशन माना जाता है, लोकरण लोकरण का माना जाता है 1977 प्रकाशन, और जंगल जहां शुरू होता है ये 2000 ईस्वी का इसका जो है प्रकाशन माना जाता है, जंगल जहां शुरू होता है। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर भी आपको इन उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 93, और 93 में आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ममता जी और अनीता जी आप सभी का सही राइट आंसर है, ये उपन्यास यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है बलचनमा। बलचनमा जो कि विकल्प नंबर सी है वह सही आंसर है। बलचनमा का प्रकाशन 1952 माना जाता है, जुलूस का प्रकाशन माना जाता है 1965, आधा गांव राही मासूम रजा जी का माना जाता है उपन्यास 1966,
और अलग अलग वैतरणी, अलग अलग वैतरणी 1967, ये जो है इनका प्रकाशन माना जाता है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, नागार्जुन जी का वह उपन्यास जो मेला आंचल से पूर्व प्रकाशित हुआ था, इसमें आंचलिकता की भी कमी नहीं थी, फिर भी इसे प्रथम आंचलिक उपन्यास नहीं माना गया, बताइएगा कौन सा वह उपन्यास है? कुंभी पाक है, रतिनाथ की चाची है, इमरतिया है, या फिर बलचनमा है। 94वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया पूजा गौर जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, क्या होगा सही राइट आंसर? चार विकल्प आपके हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 94 में आप सभी का सही राइट आंसर है बलचनमा। बलचनमा जो उपन्यास है नागार्जुन जी का उपन्यास माना जाता है, और इस उपन्यास में जो है आंचलिक मेला आंचल जो ये पूर्व प्रकाशित हुआ था, और इसमें आंचलिकता भी की कमी नहीं थी, फिर भी इसे आंचलिक प्रथम आंचलिक उपन्यास नहीं माना गया है। बलचनमा 1952 इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह उपन्यास जिसमें नागार्जुन के निजी जीवन संदर्भ भी उपन्यास के अंग बन गए हैं, बताइए 95 में वह उपन्यास कौन सा है? रतिनाथ की चाची, दुखमोचन, बाबा बटेश्वर नाथ, या वरुण के बेटे। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका, यहाँ पर 95 में सही राइट आंसर की बात करें तो विकल्प नंबर एक सही राइट आंसर होगा, रतिनाथ की चाची आपका सही आंसर होगा। ये उपन्यास है माना जाता है नागार्जुन जी का, जिसमें नागार्जुन जी के जीवन निजी जीवन संदर्भ भी उपन्यास के अंग बन गए हैं, तो विकल्प नंबर एक आप सभी का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 96 पूछा गया है, रांगे राघव जी का वह उपन्यास जो भगवती चरण वर्मा के उपन्यास के उत्तर में लिखा गया है और उसकी कथा भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से जोड़ी गई है, वह उपन्यास आपके लिए बताने कौन सा वह उपन्यास है, बताइए विषाद मठ है, या फिर सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं, या फिर मुर्दों का टीला, बताइए चयन कीजिएगा। मुनेश जी, सुनीता जी, क्या होगा सही राइट आंसर? 96वां क्वेश्चन है और सभी लोग विकल्प नंबर बी बता रहे हैं, सीधा साधा रास्ता, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प नंबर बी, तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आप सभी का, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 97 आपसे पूछा गया है कि रांगे राघव के किस उपन्यास में हर्षवर्धन और राज्यश्री के जीवन की घटनाओं का चित्रण हुआ है, बताइएगा 97 में वह उपन्यास आपको चयन करना है, बताइए क्या होगा सही आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महायात्रा है, बोलते, खंडहर, चीवर, या फिर राई और पर्वत। 97वां क्वेश्चन है और चीवर जिन्होंने विकल्प नंबर सी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, चीवर जिन्होंने भी चयन किया है विकल्प नंबर सी उनका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये उपन्यास जो है इस उपन्यास में हर्षवर्धन और राज्यश्री के जीवन की घटनाओं का चित्रण हुआ है, रांगे राघव जी का ये उपन्यास माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉलेज के जीवन की समस्याओं को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है, बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 98वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का 98 में सही राइट आंसर होगा कि कॉलेज की समस्याओं को व्यक्त करने वाला उपन्यास छोटी सी बात, प्रोफेसर, पद का पाप, पथ का पाप, या फिर घरौंदी। क्वेश्चन आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही राइट आंसर है 98 में विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, घरौंदी। घरौंदी आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर जो चार है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी, दिनेश जी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 99वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रांगी राघव के किस उपन्यास में अकाल से त्रस्त एवं 14 पीड़ित जनों की करुण गाथा के साथ ही पूंजीपतियों की क्रूरता का उल्लेख है, मैं उपन्यास आपके लिए बताना है, विषाद मठ है, मुर्दों का टीला है, आबाद आखिरी आबाद, या फिर पथ का पाप, बताइए चयन कीजिएगा। रजनी वाला जी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग और आप सभी का सही राइट आंसर होगा, रांगी राघव जी का वह उपन्यास माना जाता है कौन सा, 99 का सही राइट आंसर है विषाद मठ।
विषाद मठ राघव जी का ये उपन्यास माना जाता है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर एक आप सभी का सही आंसर है। निम्नलिखित उपन्यासों में से किसमें मोहन जोदड़ो की वैभव संपन्न संस्कृति और उसके विनाश की कहानी कही गई है? किस उपन्यास में अंधेरे के जुगनू में मुर्दों का टीला, या फिर बोलते खंडहर, या धरती मेरा घर? बताइए। सौ का सही राइट आंसर चयन करना है और सौ में आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। और सौ में आप सभी का सही आंसर है मुर्दों का टीला, विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर है। इसमें मोहनजोदड़ो की वैभव संपन्न संस्कृति और उसके विनाश की कहानी कही गई है मुर्दों का टीला में, विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है। तो इस प्रकार की आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे अपने। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी क्लास होती है सुबह 9 बजे एक क्लास होती है और 1:10 बजे रात्रि में इसी चैनल पर एक क्लास होती है। तो ये दो क्लास इसी चैनल पर होती है, एक क्लास शाम को 4 बजे स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल पर होती है, तो उससे भी सभी लोग जुड़िएगा। ये महत्वपूर्ण क्लासें आपके लिए लाई जाती हैं, महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन आंसर होते हैं। सर शांति जी, आस्था जी, लवली जी, कमला जी, कल्पना जी और मुनीश जी, दीपचंद जी, रौली जी, दिनेश जी, दीपक जी, आस्था जी, प्रीति जी, सुमन जी, पायल जी, हंस जी, सिरनी जी और ममता सैनी जी, अनीता ठाकुर जी, सुनीता खालसा जी, मुनीश वर्मा जी, और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग, लाइक बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। शांति जी, पूनम जी और माला जी, बिल्कुल प्रीतिपाल जी, ममता जी, दिनेश जी, रजनी जी और सुनीता जी, पूजा जी, शांति जी, अनीता जी, अंशु त्रिपाठी जी, रजनी बाला जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन जी और डॉक्टर नीता जी और सभी के लिए रचना, रवि जी, मुसाफिर जी, बहुत बढ़िया। सभी लोग लाइक से अवश्य करते जाइएगा। दीपचंद जी, मानसी मिश्रा जी और अंश जी, शांति जी, अंशु त्रिपाठी जी, बहुत बढ़िया। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही, लाइक शेयर अवश्य करिएगा। सभी को जय।